नमस्कार, बोल्सकाई किचन में आपका स्वागत है। मैं ज्योति जाली आज नवरात्रे के शुभ अवसर पर आपको नवरात्रे से रिलेटेड व्रत के खाने के कुछ व्यंजन सिखाने लगी हूँ। साबुदाने आलू की टिक्की, आइए देखते हैं साबुदाने और आलू की टिक्की के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। साबुदाने की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए 6 मीडियम साइज आलू उबले हुए, 1 कप साबुदाना मीडियम साइज दाना जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया है और फिर छानी में सारा पानी छानकर निकाल दिया है, सेंधा नमक जो व्रत के समय हम इस्तेमाल करते हैं, 1/4 कप पीनट्स मैंने लिए हैं, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च मोटी कुटी हुई, बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, जीरा आपका 7-8 दाने काली मिर्च के जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, यही सब हमें चाहिए टिक्की के लिए। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस कर लीजिए अपने कंटेनर में। कद्दूकस बारीक साइड से ही करिएगा, बहुत मोटे करने की ज़रूरत नहीं है। आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। अब हम इसमें भीगे हुए साबुदाना जिसमें से बिल्कुल मैंने पानी छान कर निकाल दिया है इसे मैं डाल रही हूँ, साथ ही धनिया पत्ती, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कुछ हरी मिर्चें छोटी बारीक कटी हुई, मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लाल मिर्च कुटी हुई, सूखे कड़ी पत्ते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। अब मैंने 1/4 कप पीनट्स के लूँगी, ये ऑलरेडी सॉल्टेड पीनट्स है, इसे मैं मोटा मोटा कूट रही हूँ। अब ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने मोटी कुटी हुई काली मिर्च और नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया। अब इसे बढ़िया सा डो बनाइए। ये देखिए अब आपके टिक्की का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाकर प्लेट में 15 मिनट या 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब हम इस डो में से गोल गोल टिक्कियाँ बनाकर प्लेट में रखते हैं। फ्रिज में इसे रखने का रीज़न ये होता है कि ये ज़्यादा फिर तेल नहीं सोक करेंगी, ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडी हो जाती है तो तलने में आसान रहता है। ये आलू की टिक्कियाँ मैंने बना दी हैं, प्लेट में रख दी हैं, इसे अब मैं 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्रिस्प से हमेशा आपकी डीप फ्राई होकर ही आएगी। आजकल तो एयर फ्रायर्स भी चल गए हैं, आप चाहे तो उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने साबुदाने आलू की टिक्कियों को तल लेते हैं। मैंने एक तेल को मीडियम आँच पर गर्म कर लिया है, ख्याल रहे तेल इस समय आपका बिल्कुल भी ठंडा ना हो वरना आपकी टिक्कियाँ सारी फट जाएंगी और ये सारा का सारा तेल अंदर में रस जाएगा। चेक करिए आपका तेल गरम हो गया है, देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है। अब मैं इसमें अपनी एक टिक्की को पहले डालकर तलूंगी, उसके बाद मैं दो तीन टिक्की और अंदर डालूंगी। ये देखिए आपके साबुदाने की टिक्कियाँ थोड़ी सी चिपकेंगी क्योंकि साबुदाना आपका पानी में सोख होता है और उसकी टेंडेंसी होती है कि वो यूटेंसिल में नीचे चिपक जाए। आप इसे हल्के हाथों से ध्यान से पलट पलट कर इसके पकने का इंतज़ार करिए। ध्यान रहे कि तेल बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो बिल्कुल भी, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इन टिक्कियों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कच्ची है जिसे आपके वो पकाने के लिए कम आँच में रखना पड़े। ये देखिए आपकी टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इसे मैंने प्लेट पर जिस पर पेपर टिश्यू बिछा रखा है
इसमें अब मैं निकाल रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें सोख हो जाए। अब दूसरे लॉट को डालने से पहले जो भी आपके ऑयल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पिछली फ्राई के, उसे आप अवश्य निकाल लीजिएगा। अब मैं बाकी के भी इसी तरह से तल के रखने लगी हूँ। आप अपनी करछी को इस तरह कढ़ाई के साइड पर अवश्य रखें ताकि सारा एक्स्ट्रा तेल आपकी कढ़ाई में ही ड्रेन हो जाए। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, साबुदाना आलू की टिक्कियाँ जो फ्राई हो चुकी हैं। ये लीजिए आपके आलू और साबुदाने की टिक्की बनकर तैयार है। इसे आप अपने घर वालों को, जिन्होंने व्रत रखा है और ना भी व्रत रखा हो तो सबको घर में बड़े मज़े से गरम गरम बनाकर परोसिए। इसे हरी चटनी के साथ परोसिएगा, सबको बड़े स्वादिष्ट लगेंगे ये मेरा यकीन है। धन्यवाद।